इंतहाए मिन्नत कौंसिल के मुखिया तौकीर रजा खान ने कहा, इस देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती रही है। देश में मुसलमानों की रग रग में हिंदुस्तान बसा हुआ है, इसीलिए मुसलमान बिना हिंदुस्तान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने CAA को काला कानून की संज्ञा देते हुए देशवासियों में हर जिले में हर तरह के आंदोलन करने का ही आह्वान किया है। वह यहाँ CAA के विरोध में ईदगाह के मैदान पर छठे दिन चल रहे धरना प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरकार विवादित बयान भी दिया। मौलाना तौकीर ने कहा, यह धरना किसी धर्म की नहीं, हुकूमत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि CAA का मुद्दा सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा नहीं है। हम लोग पर हम चुप रहे, लेकिन जब आज मुल्क की बर्बादी का समय आया है तो महिलाओं तक ने सड़कों पर उतर कर सच्चा देशभक्त होने का संदेश भी दिया और काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबको एहतराम करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना समझे कि किसे देश में रखना है किसे नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि गैर मुस्लिम हजरात, खासतौर से हमारे हिंदू हजरात भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और अगर उन्होंने हमारा साथ न दिया होता तो शायद इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाना नामुमकिन हो जाता। तो हमें गुफ्तगु अपनी सिर्फ मुसलमानों की हद तक नहीं रखनी है, बल्कि हिंदुस्तानियत के लिए हमारी लड़ाई है। हम हिंदुस्तानियत के लिए लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। जब वो जहर कर रहे हमारे मुल्क को जो लोग बर्बाद कर देना चाहते, उनके खिलाफ हमारी जंग है। हमारी जंग पुलिस और प्रशासन से नहीं है, हमारी जंग बड़ी है, हुकूमत से हमारी जंग है, और इस जंग को इंशाल्लाह हम जीत कर रहेंगे। और इस जंग में हमारे अपने उन सेकुलर हिंदू भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस वक्त की जरूरत को समझा है, जिन्होंने महसूस किया है कि मोदी और शाह मिलके हमारे मुल्क को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इनसे निजात दिलाई जा सकती है तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ही इनसे निजात दिला सकता है। अगर सिर्फ मुसलमान, मैंने बार बार ये बात कही है कि अगर सिर्फ मुसलमानों की बात की होती, मुसलमानों की तकलीफ का मसला होता, तो हमने बाबरी मस्जिद जैसी इतनी बड़ी बेईमानी को सबर किया है। इससे बड़ी बेईमानी नहीं कर सकते तुम। उस बेईमानी को हमने अपने मुल्क में हमारा कायम रखने के लिए बर्दाश्त किया, रिएक्शन नहीं दिया, सबर किया। हमने कश्मीर में जो तुमने जुल्म खाया, हमने अपने मुल्क के अमन सलामती के लिए, अमन और भाईचारे को कायम रखने के लिए हमने सबर किया। हमने 3 तलाक पर जो तुमने बेईमानी की, हम पर ये इल्जाम था कि हम अपनी बहन बेटियों को कैद में रखते हैं। आज वो बहन बेटियां जब सड़क पर आई है तो बिलबिला रहे हैं। हमारी बेटियों ने ये साबित किया है कि वो बेहया नहीं है, बेपर्दा नहीं है, अपने घर में अपने घर की देखभाल करती रही है, और उन्होंने छूट दी है। और आज जब मुल्क पर वक्त आया है तो उन्होंने ये साबित किया है कि वो मुल्क की सच्ची बेटियां हैं। और इस लड़ाई में अब बिलबिला नहीं, ये मुल्क दुश्मन है जो हमारे मुल्क पर काबिज हो गए हमारी लापरवाहियों की वजह से। जहां मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, खासतौर से अपने उन हिंदू भाइयों से जिनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है।